अग्निवीर योजना को लेकर जहां एक तरफ कुछ दिन पहले देश में सियासी घमासान मचा था, तो वहीं सियाचिन में तैनात गावते अक्षय लक्ष्मण लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान शहीद हो गए। आपको बता दें कि गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद होने वाले पहले अग्निवीर हैं। वहीं सेना ने गावते अक्षय लक्ष्मण के शहीद होने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी। सेना के लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्यूटी के दौरान सियाचिन में एक अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। साथ ही सेना ने शहीद गावते के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हम शहीद के परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही शहीद के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की जानकारी दी। आपको बता दें कि सेना की तरफ से कहा गया है कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मिलेगी। सियाचिन में तैनात थे गावते। शहीद हुए गावते की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर थी। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर्स में से एक है। ये दुनिया में दूसरे पायदान पर तो वहीं देश में पहले पायदान पर आता है। इस दुर्गम क्षेत्र जहां रूह जमा देने वाली ठंड में हमारे देश के सैनिक तेज बर्फीली हवाओं के बीच देश की रक्षा करते हैं। शहीद गावते की मौत शनिवार की सुबह हुई। परिजनों को मिलेंगे इतने पैसे। शहीद के परिवार वालों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सेना की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है कि शहीद के परिजनों को वित्तीय सहायता को लेकर जो भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। शहीद को मिलने वाले मुआवजे नियमों और शर्तों को रखकर दिया जाता है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शहीद के परिवार वालों को 48 लाख रुपए गैर अंदायशी बीमा, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, सेवा निधि में अग्निवीर शहीद का दिया गया 30% योगदान, साथी मौत की तारीख से लेकर 4 साल पूरे होने तक बचे हुए कार्यकाल की सैलरी मिलेगी जो 13 लाख से ज्यादा होगी। इसके साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हाथाहाथ फंड से शहीद के परिवार को 8 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि इस योजना को लेकर सियासी घमासान भी मचा था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल की मौत जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हो गई थी। अमृतपाल का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ ना होने को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा था कि एक तो पहले सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों की नौकरी 4 साल कर दी, उसके बाद अमृतपाल को शहीद का दर्जा न देना बहुत ही निंदनीय है। जिसके बाद सेना की तरफ से सूचना जारी कर कहा गया था कि अमृतपाल की मौत उनके खुद की गोली से हुई थी, जिसके चलते उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं हुआ है।